वर्जिन का मीटिंग वर्जिनिटी से नहीं है। ये सब जो ऐसे शब्द हैं, ये तो कोई आपत्तिजनक शब्द मुझे नहीं लगते। अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग होता है कुंवारी कन्या, कन्या, कुंवारी, पुण्य भूमि। वर्जिन शब्द का डिक्शनरी में मैंने अर्थ देखा है, उसका अर्थ है कन्या, कुंवारी, पुण्य भूमि। कन्या, कुंवारी, पुण्य भूमि, पुण्य भूमि, पुण्य भूमि। ये सब जो ऐसे शब्द हैं, ये तो कोई आपत्तिजनक शब्द मुझे नहीं लगते, लेकिन फिर भी लोगों ने ये विषय मेरे सामने लाया है। और फिर मैंने IIMS के लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, उन लोगों ने बताया कि ये एम्स का फॉर्मेट है और 1983 से देश के सभी संस्थानों में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वहां जो कर्मचारी या चिकित्सक काम करते हैं वो ऐसे ही फॉर्म पे अपना डिक्लेरेशन देते हैं। तो 34 वर्षों से जो व्यवस्था इस देश के कई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, वही व्यवस्था यहाँ भी चल रही है। फिर भी यदि ये विषय हमारे सामने आया है तो हम देखेंगे उसको कि उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता है क्या या बदलना चाहिए। वर्जिन का मीनिंग वर्जिनिटी से नहीं है, वो अनमैरिड से मीनिंग है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और उसकी डेथ हो जाती है तो क्लेमेंट कौन होंगे उसके, ये देखना पड़ेगा। क्लेमेंट में अगर उसमें डिक्लेयर्ड है कि इसके हस्बैंड या वाइफ हैं तो वो होंगे, अगर डिक्लेयर्ड है कि विडोवर है और उसके फलाना लोकल गार्जियन है तो वो होंगे, अगर वो अनमैरिड है लिखे हुए हैं, यानी जिसको अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग होता है कुंवारी कन्या।